दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को खतरनाक गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अश्विन ने हैट्रिक गेंदबाजी से पलटकर रख दिया पूरा मुकाबला। इंग्लैंड टीम को रोने पर किया मजबूर और 500 विकेट लेते से ही टेस्ट क्रिकेट में तोड़ दिया 450 साल से भी ज्यादा पुराना विश्व रिकॉर्ड। जानने के बाद पूरा भारत देश कर रहा है सलाम, मिला BCCI से करोड़ों का इनाम। तो दोस्तों, आखिरकार अश्विन का रिकॉर्ड और उनकी पूरी गेंदबाजी आज के इस मुकाबले की वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन और बुमराह में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला रोमांचक हो चुका है। हालांकि दोस्तों, इस मैच में एक समय ऐसा था जब लगने लगा था कि भारत की टीम वापसी कर नहीं पाएगी, लेकिन दोस्तों अश्विन ने वो समय भारत का निकाला और यहाँ से मैच को ऐसा पलटा कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दरअसल हुआ ये कि यहाँ पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था और टीम इंडिया ने रविंद्र जडेजा के शतक तो रोहित शर्मा के 131 रन की पारी के चलते 445 रन बना दिए थे और यहाँ 10 विकेट के नुकसान पर भारत ने जब 445 रन बनाए तो यहाँ दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह के बल्ले से जहाँ 26 रन निकले, तो वहीं अश्विन ने 37, ध्रुव जुरेल ने 46 रन और रविंद्र जडेजा ने 112 रन की पारी खेली। अब दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी देखकर यह पता तो चल चुका था कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है और यहाँ गेंदबाजी में मार्क वुड जैसे तेज गेंदबाज को 4 विकेट मिले थे और 2 विकेट रिहान अहमद के नाम रहे। अब इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो आते से ही जैक क्रॉली और बेन डकेट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन बल्लेबाजों को बखूबी पता था कि यहाँ पर अगर मुकाबले में तेजी से रन बनाने हैं तो बड़े शॉट लगाकर जोखिम तो लेना ही पड़ेगा और यहाँ पर जैक क्रॉली और बेन डकेट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 89 रन जोड़ भी चुके थे। इस बीच विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था। जसप्रीत बुमराह ने भी ट्राई कर लिया तो कुलदीप यादव और सिराज ने भी पूरी मेहनत कर ली विकेट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर विकेट जब मिल नहीं रहा था तो रोहित शर्मा ने आखिरकार रविचंद्रन अश्विन को भेजा, जहाँ अश्विन ने आते से ही सबसे पहला विकेट तो जैक क्रॉली का चटकाया। जी हाँ दोस्तों, जैक क्रॉली जो कि 28 गेंदों पर 15 रन बनाकर खेल रहे थे उनको चलता किया और यहाँ पर रजत पाटीदार ने उनका शानदार कैच लपक कर रविचंद्रन अश्विन को यह सफलता दिलाई। वहीं हम आपको बता दें कि इस मैच में जैसे ही जैक क्रॉली आउट हुए तो अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में रविचंद्रन अश्विन ने 500 विकेट लेने का कारनामा भी कर डाला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकर बेहद ही खुशी होगी कि अश्विन अब भारत के लिए दूसरे ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर अगर आप सूची पर नजर डालोगे तो पहले नंबर पर यहाँ पर मुथैया मुरलीधरन है जिन्होंने 800 विकेट लिए थे, तो वहीं दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न का नाम आता है जिन्होंने 708 विकेट लेने का कारनामा किया। तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन है 696 विकेट लेने के साथ। चौथे नंबर पर फिर भारत के खिलाड़ी आते हैं अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए थे अपने टेस्ट क्रिकेट करियर के दौरान। इस बीच स्टुअर्ट ब्रॉड 604 विकेट, ग्लेन मैकग्रा 563 विकेट, तो वहीं सीएफ वॉल्स 519, नाथन लियोन 517 और रविचंद्रन अश्विन ने आज 1 विकेट लेते से ही 500 विकेट लेने का कारनामा यहां कर दिखाया है। और दोस्तों, यहां पर अश्विन के बाद फिर कपिल देव आते हैं जिन्होंने 434 ही विकेट लिए थे भारत के लिए। अब दोस्तों, अश्विन ने इस बड़ी सूची में अपना नाम शुमार करके लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया है। लेकिन अब अश्विन के इस रिकॉर्ड के बारे में आप सभी की क्या राय है और आप अश्विन को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इस रिकॉर्ड के लिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।